हे गाइस, दिस इज सल्फे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने क्लास ट्वेल्थ के इंटीग्रेशन का बेहद शानदार, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप गौर फरमाओ, ये क्वेश्चन देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बेहतरीन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सीबीएसई, बिहार बोर्ड और भी सारे स्टेट बोर्ड है, उन सब में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके इस बार फाइनल बोर्ड में आ भी सके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो जरा गौर फरमाइएगा, हमें जो फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब हमें सोचना क्या है कि इसको सॉल्व कैसे करें, मसला यह है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जो यहां पर आप देख पा रहे हो, कुछ क्वेश्चन में क्या क्या आता है कि डिनोमिनेटर में जो रहता है ना, वैसा ही न्यूमिनेटर में भी बनाया जाता है। तो आप देखो, डिनोमिनेटर में हमारा कॉस का एंगल क्या एक्स माइनस ए है और एक्स माइनस बी है। तो अब हमें सोचना क्या है कि डिनोमिनेटर में जो एंगल एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी है, इसको न्यूमिनेटर में भी हमको ले आना है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के फॉर्म में। क्या बोल रहा हूं, गौर से सुन लो, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के फॉर्म में। तो जरा सोचिए, क्या मैं इसको कैसा लिखूं, मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि हमें एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के फॉर्म में चाहिए। ओके, नीचे में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है ना, तो इतना को हम क्या लिख दे। तो देखिएगा जरा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस क्या बी माइनस बी बी कर दे, या ऐसा कर दीजिए एक्स माइनस बी। क्या ऐसा हम कर सकते हैं क्या, जरा गौर फरमाइए। तो फिर से देख लीजिए, तो एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा ये। आप कहने का मतलब हमारा क्या है कि ये एक्स खो, जब इसको खोलोगे तो एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी आ जाएगा, राइट, यानी बी माइनस ए आ जाएगा। कहने का हमारा सेंस क्या है कि वो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी तो आ जाएगा ना ऊपर में। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि क्या ऊपर में हम लिख सकते हैं, साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ओके, साइन से। तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। जरा जल्दी बताइए फटाफट, तो आपको क्या आएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा साइन आपका, आ जाएगा ना साइन क्या आ जाएगा, देखिए तो जरा बी माइनस ए। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहां भी साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, यानी कहने का सेंस क्या है कि साइन बी माइनस ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन बी माइनस ए से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये देख सकते हैं। और नीचे जो कहते हो कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, तो किस फॉर्म पे आ गया, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। क्या होता है, बचपन में आपने पढ़ा होगा साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये तो आपने पढ़ा होगा बचपन में कभी। उम्मीद है आपको बोर्ड भी क्लियर दिख रहा, विजिबल है हर चीज। चलिए, तो अब मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं, ऐसा वन बाई साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए माइनस एक्स आप प्लस बी। गौर फरमाइएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी क्या है फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, साइन ए, तो ए कितना हो गया एक्स माइनस ए, क्लियर, इंटू कॉस बी, तो कॉस क्या हो जाएगा एक्स माइनस बी, क्लियर बात है। साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ए तो हमारा ये है, तो कॉस ए इंटू साइन बी बाई, आप तो पूरा डिनोमिनेटर लिख सकते हो कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। उम्मीद है बातें समझ में आई, यहां आपका हो जाएगा डी एक्स, यहां भी आपका हो जाएगा डी एक्स, क्लियर बात है, यहां तक तो आपको समझ में बात आ रही है। आगे मूव करते हैं, अब जरा गौर फरमाइएगा, इसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो सेपरेट क्या इस तरीके से कर सकते हैं, वन बाई साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, इतना आपने बच्चों ने कभी पढ़ा था 4 प्लस 5 बाई टू, क्या लिख सकते हैं 4 बाई टू प्लस 5 बाई टू,
ऐसा नहीं सकते हैं ना, वैसा ही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये आपका इतना एक टर्म हो गया और इतना आपका एक टर्म हो गया, मतलब आपके पास यहाँ पे दो टर्म है। करना क्या है, दोनों को सेपरेट करना है, मतलब कुछ इस प्रकार ये साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। क्लियर बात है, चलिए माइनस बीच में साइन दे देंगे और क्या लिखेंगे, कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx। उम्मीद है यहां तक बातें आपको समझ में आई, नीचे दिख रहा है, चलिए इतना बातें समझ में आ रही है ना। आगे देखिए जरा गौर फरमाइएगा, क्या इसमें हमारा कुछ टर्म कैंसल वैंसल हो रहा है क्या, बेशक कैंसल हो रहा है, cos x माइनस बी cos x माइनस बी। क्लियर बात है, क्या इसमें कुछ कैंसल वैंसल हो रहा है क्या, जरा देखिए cos x माइनस बी cos x माइनस ए cos x माइनस ए। बच क्या गया, तो आपका यहां पे टर्म जो बच गया वन बाई ये तो लिखाएगा ही बी माइनस ए, और गौर फरमाइएगा कहने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा था साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, तो यहां लिखेंगे क्या टैन एक्स माइनस ए, और हम यहां पे लिख देते हैं क्या डीएक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा टैन एक्स माइनस बी, आपने बचपन में कहीं पढ़ा होगा। उम्मीद है यहां तक बातें आपको समझ में आई, क्लियर बातें, चलिए अब यहां नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है। तो अब आगे हमको अगला स्टेप में कहां लिखना होगा, थोड़ा सा आप देख सकते हो इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं मैं, और यहां पर मैं लिखूंगा स्पेस का सॉल्व स्कार्सिटी है, इसी में मैनेज करना है कैसे बनाना सो। चलो देख सकते हैं टैन एक्स माइनस ए है, तो टैन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसे सोच लो ना टैन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा टैन का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स। क्या बोला मैं, टैन का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स। अब कहोगे सर टैन का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स कैसे आ गया, तो थोड़ा सा मैं हिंट्स देना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा ये टैन एक्स है ओके, तो कर लो क्या सेक से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी मल्टीप्लाई कर दो ओके। अब क्या करना है, इसको टी मान लो, तो इसको टी मानोगे और डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा sec x into tan x, तो ये sec x into tan x कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 by t dt, और 1 by t dt मतलब क्या हुआ log t, और t क्या माने थे sec माने थे, log sec x आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि tan का इंटीग्रेशन log sec x, याद रखिएगा tan का इंटीग्रेशन log sec x। अब हम यहां पे वही अप्लाई करने जा रहे हैं tan का इंटीग्रेशन, तो 1 by sin यहां पे लिख रहा हूं 1 by sin b माइनस a तो रहेगा ही आपका, क्लियर बात है ये 1 by sin b माइनस a। अब जरा गौर फरमाइए यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, tan का इंटीग्रेशन क्या हुआ log sec x, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या log sec x का मतलब हो जाएगा sec x माइनस a, क्लियर बात है log sec x, बातें समझ में आई। फिर क्या होगा यहां माइनस, और इसका क्या होगा ये भी तो tan में ही है, तो tan का इंटीग्रेशन log sec x, तो log sec x माइनस b, उम्मीद है दिख रहा होगा आपको। चलिए इतना बातें समझ में आई या नहीं, समझ बात आई ना, tan का इंटीग्रेशन log sec x, तो sec x के बदले x माइनस a, tan का इंटीग्रेशन log sec x, तो x के बदले x माइनस बी। अब जरा देखिए log m माइनस log n, तो बचपन में आपने पढ़ा था log m माइनस log n होता है log m by n, तो आपका यहां पे रिजल्ट जो हो जाएगा sin b माइनस a, और आंसर हो जाएगा log m by n, तो m हो गया log sec x माइनस a by log sec x माइनस बी, और इस तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर होता, उम्मीद है बातें समझ में आई। और मैं आपको बताना चाहूंगा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जरा देखिए उम्मीद है बातें आपको समझ में आई, समझ में आई थे प्लीज
आपसे रिक्वेस्ट है दिल से कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं ऐसे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्यूशन लाऊंगा जो आपके फाइनल बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो दिल से लाइक करो यार, दिल से मैं शिद्दत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो आपका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्ज है, राइट है कि शिद्दत से वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखिए आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पे है और ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई एंड बाहर बोर्ड। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। फिर से वही पुरानी बात मैं आपसे रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी याद रखिएगा डिनोमिनेटर में टर्म, उसको आपको न्यूमरेटर की तरह बनाना ही पड़ेगा। जब तक डिनोमिनेटर वाले टर्म को न्यूमरेटर की तरह नहीं बनाओगे तब तक आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाओगे कि इसका सॉल्यूशन करो तो कैसे करो। बातें समझ में आ रही है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, नीचे में एक्स प्लस भी है लेकिन हमें ऊपर में, तो आपके सामने न्यूमरेटर में x प्लस ए है लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस बी है, तो हमें x प्लस ए को लिखना है। तो जरा सोचिए x प्लस ए है तो इस x प्लस ए को हम क्या लिखें कि हमारा x प्लस बी आ जाए। तो आप जरा बताइए मुझे, क्या मैं इसको ऐसा लिख देता हूं x प्लस ए माइनस एक्स, एक्स नहीं लिखिए यहां लिख दीजिए माइनस ए माइनस बी, क्या ऐसा लिख सकते हैं सोचिए। तो जरा एक्स प्लस ए माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी आ जाएगा। सॉरी यहां पे आपको लिखना क्या होगा, एक्स प्लस ए है तो आप लिख दो इसको एक्स प्लस बी, ठीक है, और माइनस यहां लिख दो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो आप देख सकते हो x प्लस ए को लिखना, तो x प्लस बी माइनस यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे अगर हम ऐसा कर देते हैं a प्लस यहां पे और यहां पे a माइनस बी, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, देखिएगा आपका b से तो b आपका कैंसिल हो जाएगा, x प्लस ए आ जाएगा कि नहीं, ये देखिए। तो जरा मैं यहां पे x प्लस ए को क्या लिख रहा हूं, x प्लस बी प्लस ए माइनस बी। अब कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि एक्स प्लस बी नीचे में जो आप देख पा रहे हो ऊपर में भी आ जाए। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स प्लस ए के बदले में लिख सकते हैं ऐसा, एक्स प्लस बी और फिर क्या लिखेंगे प्लस ए माइनस बी। उम्मीद है बातें समझ में आ रही है, और नीचे जो कहते हो साइन एक्स प्लस बी और यहां पे dx, क्लियर बात है। और ये फॉर्मूला जो आ गया, इसको a आप मान लो इसको b मान लो, तो cos a plus b क्या होता है, मैं यहां पे लिख देना चाहूंगा cos a plus b cos a into cos b minus sin a into sin b। याद रखिएगा फॉर्मूला होता है cos a into cos b minus sin a into sin b। अगर यही पे अगर माइनस रहता ना तो हम ऐसा लिखते cos a into cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बातें समझ में आ रही है, चलिए अब इसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार आएगा। इसको जब ब्रेक करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी, क्लियर बातें, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उम्मीद है बातें समझ में आई। अब बाई में आपका टर्म क्या है, साइन एक्स प्लस बी, क्लियर बातें। फिर वही पुरानी बात, आपका इतना एक टर्म हो जाएगा और इतना आपका एक टर्म होगा। इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, करना क्या मतलब इसको सेपरेट करने वाले हैं। तो सेपरेट क्या होगा, गौर फरमाइए, कॉस एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बाई साइन एक्स प्लस बी, क्लियर बातें। फिर माइनस यहां पर देंगे और क्या लिखाएगा, गौर फरमाइएगा, साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस बी डी एक्स। उम्मीद है बातें समझ में, इतना उम्मीद है क्लियर दिख रहा है, विजिबल है। चलिए क्या इसमें कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस बी है लेकिन यहां कॉस है यहां साइन है, कैंसिल नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ एक बात तो हमें समझ में बात आ रही है कि कॉस ए माइनस बी जो आप देख पा रहे हो ये आपका यहां पे कांस्टेंट का काम करेगा। सो कॉस ए माइनस बी आपका कहां चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस एक्स प्लस बी बाई साइन एक्स प्लस बी क्या होता है, कॉट एक्स प्लस बी डी एक्स। क्लियर बातें। और यहां पे साइन माइनस देंगे, फिर यहां पे जरा देखिएगा साइन एक्स प्लस बी से साइन एक्स प्लस बी कैंसल हो जाएगा, क्या बच जाएगा साइन ए माइनस बी डी एक्स। तो साइन ए माइनस बी जो है ये कांस्टेंट का काम करेगा। आप बोलोगे क्यों, इसलिए कि इसमें कोई एक्स नहीं लगा हुआ है, क्योंकि डी एक्स हमारा एक्स के टर्म में है ना। सो यहां पर अगर एक्स के टर्म में होता तो अंदर रहता, वरना बाद बाकी कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। उम्मीद है क्लियर बात है यहां तक, नीचे दिख रहा है एक लाइन, एक तो स्टेप दिख ही जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस ए माइनस बी और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है याद रखिएगा लॉग साइन एक्स। क्या बोल रहा हूं, लॉग साइन एक्स। टैन का क्या होता है, लॉग सेक एक्स, बट कॉट का होता है लॉग साइन एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, लॉग साइन एक्स का मतलब एक्स प्लस बी। क्लियर है बातें। माइनस साइन ये तो जगह हो क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो x आपको हम यहां पे लेते हैं, x यहां लिखो या यहां लिखो बात तो एक ही है। अब प्लस आप कांस्टेंट दे दो c, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने हाजिर होता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। तो समझ में आई तो वही पुरानी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।